केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34% डीए मिलता था, जो कि अब बढ़कर 38% हो गया है। ये 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी। इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस साल 8,568 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर साल में 2 बार अपने कर्मचारियों का डीए तय करती है। जनवरी और जुलाई में डीए संशोधित करती है। जनवरी से डीए में 3% का इजाफा किया गया था, जिसके बाद ये 34% हो गया था, लेकिन फिलहाल इसे बढ़ाकर 38% कर दिया गया है, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक गुड न्यूज है।